कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार में न जात देखते हैं न रूप रंग, जब प्यार हो जाए तो फिर दुनिया की क्या परवाह। कई लोगों ने ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। वैसे ज्यादातर इस जमाने में प्यार की कहानी एक दूसरे की सूरत देखकर ही होती है, चाहे सुंदरता, चाहे काया की हो या फिर उसके गुण की। लेकिन आज जो हम आपको लव स्टोरी बताने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगी। मामला गया का है, जहां प्यार के परिंदों ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। सोचने पर मजबूर है कि प्यार सिर्फ दिलों को नहीं मिलाता बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक भी कर देता है। शेरघाटी कोर्ट परिसर के मंदिर में ठीक जब एक जोड़ा पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यहाँ दो ऐसे लोगों की शादी हो रही है जो अपनी खुली आंखों से इस आभासी दुनिया को देख नहीं सकते, तो हर कोई इस शादी को देखने के लिए उत्सुक हो गया। इस जोड़े की 4 साल पहले स्कूल में पढ़ाई के दौरान दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 4 सालों तक दोनों में इसी तरह रिश्ता कायम रहा और फिर दोनों ने शादी का बंधन में बंधने का फैसला किया। वो प्यार ही कैसा जिसे इम्तिहान से ना गुजरना पड़ा हो। इस शादी में भी दीवार खड़ी हुई, लड़के पक्ष के लोग दीवार बन गए, शादी का मुखर विरोध किया, लेकिन उस दीवार के अनदेखी करते हुए लड़के ने लड़की से मंदिर में शादी रचा ली। चलिए आपको दुल्हन कौशल्या की जुबानी आपको उनकी प्रेम कहानी सुनाते हैं। तुम इनको कब से जानती हो? जोर से बोलो। तीन से जानते हैं इनको बारे में। अच्छा, कैसे जान पहचान हुई? पढ़ाई लिखाई साथ में करते थे। क्या पढ़ती थी तुम? करते रूम पढ़ाई लिखाई करते ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि से कहाँ? भलवार से। जोर से बोलो। भलवार। जोर से बोलो कहाँ? भलवार से करते। अच्छा, तो वही जान पहचान हुआ। सुना आपने, कुछ ऐसे हुई ये अनोखी शादी। शादी के वक्त कौशल्या की ओर से उसके घर वाले मौके पर मौजूद थे। दुल्हन नीरज का कहना है कि वो इतना कमा लेता है कि एक परिवार का खर्चा चला सके। उसका कहना है कि वो अपनी दुल्हनिया को दिल्ली ले जाएगा। शादी तो कर लिया, रखिएगा कहाँ? मैं तो दिल्ली में फिलहाल में रखूंगा जब तक रहूंगा। आपके माता पिता तैयार नहीं है तो कैसे होगा? कहीं दिक्कत तो नहीं होगी बाद में? इसको दिक्कत बाद में नहीं होगी। आप इतना कमाते हैं कि इसको रख पाइए? हम कमाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं। वादा कर रहे हैं ना? हाँ, वादा कर। वही कौशल्य का कहना है कि वो इस शादी से काफी खुश है। ये बात कहते हुए सामान्य लड़कियों की तरह वो भी झेपती भी है और मुस्कुराती भी है। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।